नमस्ते नमस्ते सर. सो एक्चुअली आई हैड फ्यू क्वेश्चन सर. मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इंग्लिश में पूछता हूँ. चलिए ओके. एक्चुअली सर अभी सब लोग बहुत लोग गिर के पीछे जा रहा है, बहुत लोग साइबर के पीछे जा रहा है, बहुत लोग राठी के पीछे जा रहा है. सब इंडियन ब्रीड्स में विच इज द बेस्ट ब्रीड, सबसे अच्छा बेस्ट ब्रीड कौन सा है? देखो मेरे मैं गिर का ब्रीड हूँ. साइबर मैंने रखी थी, थर्मल रखी थी, रेड सिटी रखी थी, उसका मैं क्या प्रॉब्लम हूँ? आप गिर के लिए जो कुछ पूछे उसका जवाब दे सकता हूँ. ओके वेरी गुड. सो अभी गिर में अगर कोई गिर में गाय ढूंढ रहा है, पूरा गुजरात में गिर का गाय ढूंढ रहा है, किस तरह का गाय सिलेक्ट करना पड़ेगा? मेजर क्या ऐसा चीज है गिर में किसी को पकड़ना है और सिलेक्ट करना है? देखो उसमें जो गिर का उसको मार्किंग देना सीखना चाहिए. उसका एज का कितना मार्क है, उसका हॉर्स का कितना मार्क है, उसका ईयर्स कैसा होना चाहिए, उसका नोज कैसा होता है, उसका खुर कैसा होता है, उसकी बैक कैसी होती है, उसकी गर्थ कैसी है. मिल्क कैरेट अलग है, ब्रीड कैरेट अलग है. 40% मार्क हम ब्रीड कैरेट देते हैं 100%. उसके डाई गुरु बनते हैं 12 मार्क तो पेड़ी ही देते हैं. फिर हेड का मार्क है, ईयर्स का मार्क है, आई का मार्क है, नोस्टिक का मार्क है, उसके सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना परसेंट गिर है. सही, गुड गुड. सर ए आप दोनों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अभी गिर में जाना है, गिर में नहीं किसी भी ब्रीड में जाना है, तो गाय ज्यादा स्थान लेता है या बुल ज्यादा स्थान लेता है? विच वन शुड वन चूज, द बेस्ट काउ और द बेस्ट बुल? उसमें क्या है, हम जो दो अलग अलग ब्रीड की करते हैं ब्रीड, उसमें किसका जीन ट्रांसफर होगा, कभी गाय का क्या होता है, कभी बुल बन जाता है. लेकिन लेकिन मेजोरिटी आप देखा जाए तो फिर वो बुल इज मोर डोमिनेंट इन योर हर्ड. Okay, so you should go for that because next progeny they will be having the common blood of bull in all the progeny. So according to a bit more preference will be on that. So आपने मेरे को एक calculation दिखाया था जिसमें 10 गाय एक नंदी का 50% पूरा herd में रहेगा, तो इसलिए bull को महत्व ज्यादा देना पड़ेगा. अगर bull अच्छा रहेगा और गाय अगर 70-80% रहेगी, then there are more chances of increasing your full herd because whichever blood is going to be in all your progeny, that will be carrying the 50% or even more than 50% blood of bull side in there. Okay, so sir, and दूसरा एक चीज़ है, आपका बाड़वा दरबार में top 5 bloodlines बोल, आपको जो मन पसंद? नहीं जी, हमने BA लेकिन हम चेक तो कर्चे को वर्ष जो प्रदेश जी वहाँ से मिला तब मैं कर सका नहीं. सही तो सही ब्लड लाइन भाड़ो फिर होगी, मेरे तो भावना कर ब्लड लाइन जी. That's a good question. Sir, I always agree your honesty. But आप जो ब्रीडिंग किया है उसमें से आपको पांच जो ब्लड लाइन आपको जो पसंद, पांच ब्लड लाइन जो आपको पसंद है? एक रूपा है, हाँ, एक बगेश्वरी है, हाँ, नीति, हाँ, लाठे, हाँ, ठीक है. तो अभी आपकी ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट से जो फायदा हुआ, मैं अभी आपका दो बढ़िया नंदी लिया है, एक है ऋषभ जो रुचा का बेटा है, एक है रतिनो जो रति का बेटा है. ये दोनों बुल के बारे में बोलिए थोड़ा. वो बुल बहुत अच्छा है. तो रुचा है ये भावना का स्टेट के पुलिस भाई की उस पर जो भावना का स्टोर बनी उस पर सब ले जाएंगे. पुष्पा की ब्लड से आता है रुचा. वो रूपा आज पर नाम हमने रखा है, हाँ, तो रूपा पुष्पा की है. और बकरी थी 10 months के एवरेज में सबसे अच्छी बहुत है. और सबसे पहले मैंने सुधा का बुल यूज किया था, सुधा भावना के बेस्ट मिलकर थे. उसका रूम बहुत नहीं था लेकिन मिलकर बहुत थे सब की इंडिया में. और थे तो कृष्ण कुमार से प्रदीप से थी, बाकी सब नाम अपना बना, मैं अपना नाम बिना नहीं चाहता. मैं उसको मिला मुझे मिला करना चाहता और उसकी गाइडलाइन भी बहुत मुझे नॉलेज भी बहुत मुझे थी. उसका बादल भी बहादुर साहब ने इतना नॉलेज इसके में सक्सेस हो गया. सही सही. और रतिनो के बारे में थोड़ा बोलिए. रतिनो
अपना रति ना बोल विषय नो तो अच्छा है उसका पुष्पा भी सही है वो भी पुष्पा सही है हार मीन्स रति नो ओके दोनों कम्स फ्रॉम अ डायरेक्ट कम्प्लेंट ऑफ रूपा रूपा एंड देन पुष्पा नाइस वेरी गुड वेरी गुड रूपा भी वही है और अभी अभी ऐसे आप देखेंगे तो जो रतिनों में जो ब्लड कलेक्शन हुआ है हमारे मुताबिक और पिताजी के मुताबिक सबसे बड़ी आप ब्लड काउंटिंग अगर हम करें तो उसके अंदर पूरा उसपे कभी जब मरीज को कभी कभी इंजुरी करना है फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कभी भी किया है कभी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा आ गया हमने ये किया और उसका रिजल्ट भी प्रोजेनी पे बहुत बढ़िया सही है मैं देखा है इधर भी देखा है जो ब्लड उसके अंदर है वो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है बेटा देखना उसके मदर का रति रति रतीस रति ओनली वो नाम उसको सूट करता है छोटे बच्चे का बोल रहा है रेवती मेरे पास रेवती भी बढ़ गया और वो सब मेरे रूप में से ही आ रही है सही सर अभी गिर में सब लोग बोलता है भाई मैं ऐसा सिंह वाला कुंटे सिंह वाला लेना है कुछ लोग बोलता है ऐसे सिंह पीछे जाने वाला लेना कुछ लोग बोलता है ऐसा गोल और के रहने वाला सिंह लेना कौन सा सिंह सेलेक्ट करना है गिर में पहले गिरा बोलते बुझा एकदम नीचे जाना जाए हेड के चिप करके निकलना चाहिए फिर थोड़ा बैठ जाना चाहिए फिर कर लगे और कभी ऐसा भी होता है उसको बारह बोलते हैं और कभी कुंडा भी होते हैं पीछे जाते हैं जो फेस की जो ब्यूटी दिखती है वो हॉर्न के मुताबिक ही पूरा गेटअप आता है पूरा फेस का दूसरा उसका ईयर बहुत लंबा ईयर नहीं होना चाहिए बहुत ग्रोथ नहीं होना चाहिए सिमिट से करिए मुंह जितना छूटना इतना अच्छा दो सींग होते हैं उसके बाद जितना ज्यादा इतना अच्छा अभी लोग बोला था भाई स्वर्ण कपिला है 7 लाख है सर भाई काला कपिला है 4 लाख है ये कपिला कपिला का क्या है मेरे पास जो नॉलेज है मैंने जो पढ़ा है तो ऐसा कोई है नहीं कोई गोत्र लाइन और ब्लड लाइन होती है गोत्र कैसे बता सकते हैं आदमी का गोत्र होता है गाँव का कैसे गोत्र हो सकते हैं सही 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 सर आपने कुछ बोल रहा था वो कपिला के बारे में एक्चुअली जो खड़ी है बोल खड़ा है उसकी सेंट्रल लाइन हम पे से बीच में सेंटर में आनी चाहिए हम आगे पीछे नहीं होते आगे पीछे होते उसमें ब्लड लाइन में चेंज होता है ओके हम सुड बी स्ट्रेट लाइन विद द फ्रंट लेग और गेट जितना स्टेबल होता है वो हम बूट पर जाते हैं स्टेट होता है स्टेट और स्टफ और कंफर्मेशन है सर यू वर टॉकिंग मी अबाउट अल्ब्यूमिन प्लीज या दिस जोन का फिल्म में जो आता है वो अल्ब्यूमिन की वजह से होता है एक्चुअली वो एक जात की देखा जाए तो फिर खामी ही है अरे या ये सब कौन में प्रदीप जी के पास चिको मैं मेरा गुरु अब सब मेरा गुरु है मैं सबको प्रणाम करता हूं मैं तो उनका चेला हम गुरु भाई बोल सकते हैं गुरु है मेरे कैसा गुरु नहीं आप भी बहुत 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 मेहनत किया है जो आज पूरा भारत में गिर के नाम ले लिया कोई गिर के नाम ले लिया तो 3 घर सबके नजर में आता है एक भावनगर दूसरा बाड़वा तीसरा जसगर तो इट इज अ कनेक्शन फ्रॉम देयर मैं नहीं बोल चल मैं हूं किसी को बात नहीं उसकी वजह से तो पूरा ये ब्रीड पूरा मेंटेन हुआ है उसने कुछ कलेक्ट किया सब दूसरे के पास सब हो सका नहीं ये अकेले काम देती है क्या करता है आप गाय और दूध दोनों ले जाए मेरे से आपको मिला है आप कर सकेंगे ये काम से भी नहीं होता बुद्ध से भी नहीं होता तो मैं सोचा नहीं सही सर दूसरा और एक क्वेश्चन और मिल्क कैरेक्टर होता सब फ्रिज में एक ही होता है उसकी मिल्क वेट उसकी ब्रीड उसका अडर हाँ अडर उसका स्टैंडर्ड है
व्हाइट होती है, व्हाइट होता है जो बोल रहे थे ऐसा घी में कलर बाइन हो रहे रेडी कलर जो कलर झूठ है कोई भी कलर की हुई उसका जो हेड आइज आइज होते हैवी होना चाहिए ताकि देखेगी ऐसी घी देखेगी ऐसी आप स्लिपी दिखते हैं ट्रू एग्जैक्टली स्लिपी दिखते हैं एक ऊपरेगा तो आई आईलिड भी हेवी हो जाएगा एक जितना बड़ा होता है उतना अच्छा लगता है जितना राउंड होता है बेस्ट बोलते हैं बाकी ऐसे ही देते हैं ये सब गिरी का कैरेक्टर स्टार है तो होना नहीं कुछ जरूर सर और एक क्वेश्चन है कि अभी हम सब लोग जो भी अभी स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट कर चुका है इन सब लोग को पेडिग्री बुक मेंटेन करना कितना जरूरी है बहुत जरूरी है जो ब्रीडिंग करते हैं उसके मिल्क वाले को जरूरी नहीं उसको मिल के देख रहे हैं दे देते हैं लेकिन ब्रीडिंग करते हैं उसको तो पेडिग्री बुक और सर्विस रजिस्टर उसका रिकॉर्ड भी लेटर से लिख भी रखते थे जैसे मेरा लेटर से लिख भी लिखता था 300 लीटर्स 2500 लीटर्स की पर्ची की बोलती है 300 का काम करता हूँ 3000 से नीचे रखते नहीं थे मैंने अब तो रिकॉर्ड मिलकर नहीं करती तो करते मैं तो करता था सब रिकॉर्ड था फर्स्ट लेक्चर में कितना उसको पता चलता है भूल रखना है कैसा रहता और आपके गांव में सब भूल रखो उसके मदर ना मिल्क तो होना ही चाहिए कि गाय कोई भी मिल रखो फर्स्ट मिल्क इज एसेंशियल देखो मैंने सूधा का लिया सूधा बेस्ट मिल्क का फिर बकरी का लिया बेस्ट मिल्क फिर रेडी का लिया बेस्ट मिल्क चोखा चैंपियन मिल्क उसका तो हमारी कहीं वेस्टलैंड में बांट हुआ आपके पास अच्छी सोई गाएगा तो इससे मिलेगा सही सही उसका मेंटेन खिलाओ तो मिलते हैं हमारे कहीं हम फार्म है हम ज्यादा खिला नहीं सकते और यह मिल्क का रेट नहीं है तो कैसे मिलाए कितना दूध देना चाहिए काफ्स को जो भी छोटा अभी शायद उसका मदर शायद अभी 6 लीटर दूध दे रहे हैं या 7 लीटर दूध दे रहे हैं तो वो बच्चा को कितना दूध देना चाहिए उसका वेट का 10% अभी उसका वेट जब उसका बर्थ होता है आपको वेट करना चाहिए बोला बिल्कुल बर्थ वेट जितना ज्यादा होगा देखो इसका बर्थ वेट ज्यादा था इसका मर गई थोड़ा लेट कर 10% देना चाहिए 10% 3 महीने तक दो टिक सके चलवा दे पूरा और आज बहुत लोग बाड़वा के पीछे बहुत लोग जा रहे हैं उन सब के लिए कुछ आंसर देना है तो बोलना है तो कि आज पूरा भारत में सबको बाड़वा का ब्लड लाइन चाहिए तो आप बोलते हैं लेकिन हमारा जो एनिमल है वो कॉम्पैक्ट है सही है हमारे साइज स्ट्रक्चर वाइज स्मॉल है दिखने में लेकिन जेनेटिकली वाइज जो अच्छा है जो अच्छे जगह पर जाते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं वो देखने के बाद जब लोगों को मालूम पड़ता है तो ऑटोमेटिकली वो लोग आते ही है तब वो कदर होती है और ये चीज बोलते है लोग भाई बाड़वा का गाय बहुत तेज होता है तो बोलता हूँ क्योंकि वो उसमें रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा रहता है मार नहीं सकता सबको दो दो मार जाते नहीं दूसरा क्या है कि हमारी गाय जो है ज्यादातर पेस्चर पर रहती है ग्रेजिंग पे रहती है तो उसकी जो कैलोरी है वो बर्न हो जाती है तो उसकी वजह से उसका साइज स्ट्रक्चर बड़ा नहीं होता है वो कॉम्पैक्ट होती है लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है वो सबसे देखो ये, वो बीमार की कम पड़ेगी कितना भी खर्चा है आपने पैसे तो दिए मेरे पास आ गया नहीं मैं खिलाने वाला हूँ अब देखना ये कितनी होती है छोटी है भाई हम फार्मर है हमारे खिलाने के पैसे आपको संस्था वाले
मागे से मिलता है इनकम है, मैं कैसे मिला मेरा पेट का करूँ क्या गाय का करूँ। सही सही, लेकिन ईश्वर ने नहीं किया है, मैं मेंटेन करूँ बड़ी करूँगा। तो बोलते छोटे बोला मेरा और दूसरी बात क्या है अमित भैया, क्योंकि कई कई एनिमल में ऐसे जीन होते हैं, जितना आप खिलाओगे कहीं वो मिल्क में कन्वर्ट कर डालती है, कुछ कुछ देती है वो उसके फैट में कन्वर्ट होने से उसकी स्ट्रक्चर और सब बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें साइज स्ट्रक्चर में भी मिल्क नहीं आता है। और कई कई बार आप छोटे एनिमल देखे तो उसमें मिल्क आता है, क्योंकि वो जीन की है ऊपर पूरा जरूर आप वो चार्ट मुझे दे दीजिए, सबको दिखाएगा, सबको मदद हो जाए उसमें, सब पूरा पिक्चर के थे, ये अगर ये ये नहीं है तो ये सब में ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा पूरा बनाया हुआ है, क्या फोटो में कोर्सेज एज वाइज पूरा बनाया हुआ है, पूरा कोर्सेज कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, फोल्ड कितना चाहिए, वो नहीं चाहिए सर। दिस इज व्हाट बार्ड वाइज, मैं यही बोलता हूँ कि पूरा सब लोग सब ज्ञान देता है ठीक है, लेकिन बाड़वा में आपको गाय कैसे पालन करना है वो सिखाता है, और ब्रीड कैसे सेलेक्ट करना है वो सिखाता है। तो मैं और जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी लोग आते हैं हम उसको लिए टाइम भी स्पेंड करते हैं, जो भी है सही है, जो भी चीज हमको मालूम है वही हम दिखाते हैं। लड़का छोटा लगे आपकी फ्री क्या है, हमारे पास जीरो है भाई। अच्छा बाबू वाह वाह, ठीक है, इनिशियली जो भी हम जो हमको मालूम है वो देते हैं, सबको बांटेंगे तभी वो बड़े घर। तो गाय की सेवा ही है नहीं, अब ऐसे तो गाय सेवा नहीं कर ऐसे तो कुछ करते हैं सही। अच्छा फिर बा पानी के लिए बोलते आपने मेंटेन किया, अच्छा आप पैसा ले लो, अब कहाँ जाए, सही सही सब बोलते छोटा आपको करोड़ बोल बच्चा इतना देना ही नहीं आपको बच्चे तो मेरा बोल नहीं, पर मैं सर्वे नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे अच्छा से लोग मैंने बोला प्राइस बता दो आप, हमारे प्राइस आप चिप दे दें लेने आए बंद करो, मुझे तो नहीं करना है, मुझे पैसा चाहिए। यस सो डिस्चार्ज करो मुझे तो नहीं भाई करो, मेरे बात ही चाहिए, वैसे बाद में से कभी पड़ता हूँ मुझे तो इतना ही चाहिए। सही सही, एंड सर आई हियर आई टेक अ प्राइस नोट to tell you that thank you for giving me Bageshwari Road, thank you for giving me Vaishali Road, thank you for helping me to get me the road. Only one thing. आपने पैसा दिए भी दिए हैं। फिर भी सब लोग को नहीं देते हो ना, हर सब लोग। लेकिन thank you for giving me Lakhe Road without पैसा। वो तो मेरे मन की इच्छा है इतना। Thank you for giving me that, and we keep your we need your support always, like in terms of breeding. You come any time for me. मेरे पास एक्सपर्ट, मेरे को एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास जो नॉलेज आपको सिखाऊंगा। जरूर 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 जरूर, थैंक थैंक थैंक।